गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। आदि शक्ति की लीला कथा की पिछली कड़ी में इस सच को बताया गया था कि भगवती योग निद्रा विवेक के जागरण की अधिष्ठात्री हैं। इस प्रसंग में बताया गया था कि भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उस भयानक असुर को अपने पास आया हुआ और भगवान नारायण को सोता हुआ देखा, तब वो अपने हृदय में एकाग्र होकर भगवती योग निद्रा को तुष्ट करने के लिए प्रार्थना करने लगे। पुराण कथाएं कहती हैं कि भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हैं। इन कथाओं में इस शयन की अवधि प्रतिवर्ष देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी मानी गई है। इस सामान्य क्रम के अतिरिक्त कल्पांत में भी यही स्थिति आती है। भगवान नारायण का ये शयन हमारी शयन से भिन्न है। भगवान नारायण इस शयन में योग निद्रा में होते हैं। उनकी इस निद्रा के लिए शास्त्र कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति ही, यानी ये निद्रा समाधि की स्थिति है जिसमें जागरण की तरह परिपूर्ण चेतना और गहरी निद्रा की तरह संपूर्ण विश्रांति होती है। भगवान नारायण को सोते हुए देखकर असुरों की भयानकता ने ब्रह्मदेव को अवश्य विचलित कर दिया था, तभी तो वे भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे थे जिससे कि उनकी चेतना में भगवती का प्रकाश फैले और श्रीहरि योग निद्रा से जागे। इस कथाक्रम को अगले श्लोक मंत्र में निरंतरता प्रदान की गई है। पहले अध्याय का 70वां श्लोक, उसका भावार्थ है ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधिष्ठात्री जगत को धारण करने वाली संसार का पालन और संहार करने वाली है। जगन माता आदि शक्ति की लीला कथा के इस श्लोक में भावमयी भवानी की महिमा का गान है। माँ भगवती की यदि कृपा हो तो जीवन में शयन और जागरण दोनों सार्थक हो जाते हैं, और विवेक ना हो तो जीवन जागरण की यथार्थता से वंचित रह जाता है। विवेक के जागरण के ऊपर एक कथा आती है पुराणों में, महर्षि प्रगात की ये कथा है। महर्षि प्रगात का आश्रम विंध्यगिरी की तलहटी में था। उनके आश्रम में रहने वाले तपस्वी शिष्य स्वाध्याय संपन्न थे। महर्षि प्रगात अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, लेकिन वे उपदेश ही नहीं देते थे, उनकी सार्थकता की परख भी करते थे। उनके अनेक शिष्यों को अनेक विधियों से परीक्षा देनी होती थी। इस बार उन्होंने अपने प्रिय शिष्य विमल हंस की परीक्षा लेने का निश्चय किया। चतुर्मास प्रारंभ होने वाला था। ऋषि प्रगात के आश्रम का नियम था कि सभी को महर्षि द्वारा निर्देशित स्थान पर रहकर साधना संपन्न करनी होगी। पहले की भांति इस बार भी महर्षि ने सभी को साधना के निर्देश दिए थे। अब केवल विमल हंस शेष रह गए थे, उन्हीं को निर्देश देना बचा था। अपनी बारी आने पर विमल हंस ने आकर प्रणाम किया और कहा, भगवान आप आदेश दें। उनकी इस बात पर महर्षि ने कहा, वत्स, इस आश्रम से दूर जाकर इसी विंध्यगिरी के जंगल में सिंह की गुफा में रहकर तुम्हें अपना चतुर्मास पूरा करना है। महर्षि के इस कथन को जिसने सुना वही चौंक गया। सुनने वालों ने सोचा, माँ से कोमल हृदय वाले ऋषि भला इतना कठोर आदेश कैसे दे सकते हैं। परंतु विमल हंस के लिए अपने गुरु का आदेश सर्वोपरि था। आदेश के अनुसार उन्होंने विंध्यगिरी के सघन वन में एक सिंह की गुफा में चतुर्मास पूर्ण करने का संकल्प किया। चतुर्मास में प्रतिदिन उनके धैर्य साहस व भक्ति की परीक्षा होती थी। बार बार उनका मन विचलित होता था, साहस छूटता था, धैर्य डगमगाता था, पर अपने मन को भगवती विंध्यवासिनी में अर्पित करते थे। वे उनकी शरणागति उनके धैर्य व साहस को पुनः अविचल कर देती थी माँ। इसी तरह प्रतिदिन की परीक्षाओं के साथ उनका चतुर्मास पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने महर्षि के पास आकर आशीर्वाद लिया। उन्हें वापस आया हुआ देखकर सभी ने उनकी सराहना की।
हाँ, महर्षि ने अवश्य उनसे कहा, वत्स, अगले चतुर्मास में तुम्हारे विवेक की परख होगी। इसके लिए तुम अभी से साधना आरंभ कर दो। विवेक दृढ़ हो इसके लिए क्या करना होगा? विमल हंस ने पूछा। महर्षि से यह प्रश्न पूछने पर उन्होंने कहा, अपने अंतःकरण में इसका उत्तर ढूंढो। कई दिनों की प्रगाढ़ ध्यान साधना के बाद उनके अंतःकरण में गायत्री मंत्र का प्रकाश हुआ, धियो यो नः प्रचोदयात्। सन्मार्ग गामी बुद्धि ही तो विवेक है। इस साधना के साथ उनका वर्ष पूर्ण हुआ और फिर से चतुर्मास का समय आ गया। अब की बार महर्षि ने उन्हें आज्ञा दी, वत्स, इस वर्ष तुम राज नर्त की मदन मंजरी के साथ रहकर अपना चतुर्मास पूरा करो। महर्षि ऐसा विलक्षण आदेश देंगे ये तो किसी ने भी सोचा नहीं था। स्वयं विमल हंस भी चकित थे। आदेश को स्वीकार करके जब वे मदन मंजरी के यहाँ पहुंचे तो उसने उनका भव्य स्वागत किया। मदन मंजरी रूप लावण्य व सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी। वो नर्तकी थी, उसे लोकरुचि का ज्ञान था। पहले उसने अपने सौंदर्य हाव भाव से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया। जब उसके ये प्रयत्न सफल ना हुए तो सौंदर्य के स्थान पर समर्पण का मार्ग चुना। युवा तपस्वी विमलहंस की कठिन परीक्षा थी। कई बार उनके विवेक की ज्योति कंपित होने लगती। पहले सौंदर्य श्रृंगार, अब सादगी समर्पण। इस पर भी जब वो आकृष्ट ना हुए तो एक दिन मदन मंजरी उनके पांव पर सिर रख कर रोने लगी। इस पर विमलहंस ने जगन माता का भावपूर्ण स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे माँ, जब समस्त स्त्रियाँ तुम्हारा ही रूप हैं तब मदन मंजरी क्यों नहीं? इस अंतर प्रार्थना के साथ विमल हंस ने मदन मंजरी को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। इस उपदेश को सुनकर उसकी मोह निद्रा टूट गई, विवेक की आंखें खुल गईं। इस जागरण ने उनका जीवन पावन बना दिया। जगन माता की कृपा ऐसी ही है जिससे जीवन जागरण का पर्व बन जाता है। आइए अब 70वें मंत्र का साधना विधान जानते हैं। ये है इस मंत्र का विनियोग और फिर न्यास, उसके बाद ध्यान करें। मंत्र है ओम एम ब्लूम नमः विवोर्धनार्थाय हरेर हरि नेत्र कृतालयाम विश्वेश्वरीम जगद्धात्री स्थिति सहार कारणीम नमो ब्लूम एम ओम। साधना का विधान है 10 माला गायत्री मंत्र की करें और एक माला इस सप्तशती मंत्र की करें। इस तरह से 10 दिन का विधान है और उसके बाद दशांश हवन करें। आध्यात्मिक फलश्रुति इस मंत्र को करने से होती है कि आपके विवेक का जागरण हो जाता है, और लौकिक फलश्रुति होती है कि आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान हो जाता है। यानी यदि आपको किसी समस्या का हल नहीं मिल रहा है तो आप इस मंत्र की साधना कीजिए, आपका विवेक जागरण हो जाएगा, समस्या का हल आपको मिल जाएगा। गायत्री महामंत्र के साथ इस सप्तशती मंत्र की साधना साधक की चेतना पर छाए हुए तमस के निवारण को संभव बनाती है। इस मंत्र के प्रभाव से बुद्धि स्थिर होती है, पारदर्शी व प्रकाशित होती है, मोह का अंधकार हटता है, भय व भ्रम मिटते हैं। इसी के साथ जीवन में समस्याओं का समाधान होने लगता है, विवेक की ज्योति शिखा निष्कंप होकर प्रकाशित होने लगती है, अंतश्चेतना स्वतः ही निर्भर होने लगती है, जीवन में प्रकाश की प्रभा अनेक रूपों में दिखने लगती है, जागरण जीवन का उत्सव बन जाता है, भगवती जगन माता की कृपा की अनुभूति जीवन में नए स्वर नया सौंदर्य खुलने लगती है। किसी भी समस्या का हल ना निकल पा रहा हो, बुद्धि काम ना कर रही हो तो इस साधना को अवश्य करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।